वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल ग्रुप डिस्कशन के क्लास में आपका स्वागत है। ग्रुप डी स्पेशल बैच चल रहा है, आप लोग देखिए और ग्रुप डी में निश्चित रूप से 100% सफलता मिलेगी। एक ही प्रकार के परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? प्राकृतिक तत्व। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है? यौगिक बनता है। गलत। मिश्रण होगा। शुद्ध पदार्थ मिश्रण होगा किसी भी अनुपात में। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते, क्या गलत? उपधातु। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? ऑक्सीजन नहीं है। मिट्टी का दे। लाउडली बोलोगे सुनाई नहीं देगा उस तरह। कौन सा पदार्थ प्राकृतिक में तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? ठीक है। निम्नलिखित में से कौन ना तो तत्व है ना ही यौगिक है? वायु। ठीक है। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है? प्लाज्मा। ठीक है। विरंजक चूर्ण क्या है? यौगिक है। ठीक है। अब बारूद? मिश्रण। अब हीरा क्या है? हीरा तत्व। ठीक है। निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा है? इसमें ऑप्शन 12 ओजोन, वायु और अमोनिया। वायु नहीं, गलत होगा। अमोनिया। वायु निम्नलिखित में से क्या है? ना तो यौगिक है ना तो यह मिश्रण है। मिश्रण है। शुद्ध तत्व कौन सा है? ऑप्शन है कांच, सीमेंट, सोडियम, इनमें से कोई नहीं। सोडियम। और दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार में एक सुनिश्चित अनुपात में संयुक्त करने से बना पदार्थ कहलाता है? यौगिक। ठीक है। निम्नलिखित में कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक होता है? शीशा। ठीक है, शीशा ही हुआ। निम्नलिखित में से किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? हाँ, ग्रेफाइट, आयोडीन उपयुक्त दोनों और इनमें से कोई नहीं। ग्रेफाइट और आयोडीन। ठीक है, कोई नहीं। ठीक है, दोनों। आयोडीन बताता है। जल एक यौगिक है क्योंकि यह ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है। इसमें हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन होती है। इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं। यह रासायनिक साधनों द्वारा दो सरल पदार्थों में तोड़ा जा सकता है। गलत। इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े दो भिन्न तत्व होते हैं। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक मिश्रण है। थैंक यू। देखते रहिए, सीखते रहिए।